अबे बुड्ढे अंधा है क्या? सारे कपड़े गंदा कर दिया। अबे बुड्ढे दिमाग से पैदल है क्या? क्या आप मेरा ये मैसेज पढ़ देंगी? मेरा चश्मा घर रह गया है। मैं आपकी सोसाइटी के बाहर रोज झाड़ू लगाता हूँ। ला इधर। क्या अकाउंट 4271 इज क्रेडिटेड विद ₹2 करोड़? एक मिनट, मुझे तो चक्कर आ रहे। यही मौका है अमीर बनने का। बैंक वालों ने गलती से तेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। ओ भाई साहब, बुड्ढे तेरी भी क्या किस्मत है यार। देख बुड्ढे, अब तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा और तू चोरी के इल्जाम में बहुत लंबा अंदर जाएगा। साहब आप पुलिस को मत बुलाना साहब। अगर तू चाहता है कि पुलिस तुझे जेल में ना डाले तो इसमें से 1 करोड़ रुपए हमें दे दे। सोच, एक दिन में तू करोड़पति बन जाएगा। मैम साहब, ये आप क्या बोले जा रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो रुक, ये ऐसे नहीं मानेगा। अभी पुलिस को बुलाती हूँ, कॉल करो पुलिस को। अरे बुड्ढे, इतनी उम्र में तुझे फ्री का पैसा मिल रहा है, कुछ हमारा भी भला कर दे, वरना ये पैसा तुझे भी नहीं खाने देंगे। मेम साहब, मैं आपको 1 करोड़ रुपया क्यों दूँ? क्या कमाल का लालची बुड्ढा है ये? अगर तू ये पैसा हमें नहीं देगा ना, तो हम ये पैसा तुझे भी नहीं रखने देंगे। बोल, करो पुलिस को फोन। नहीं मेम साहब, नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगा बुड्ढे। अभी रुक, जल्दी आइए सर, यहाँ एक बुड्ढे चोर ने करोड़ों का फ्रॉड किया है। हाँ जी, आइए सर आइए, मैंने ही आपको फोन किया था। सर यही है वो झाड़ू लगाने वाला चोर बुड्ढा। सर इसी ने ऑनलाइन फ्रॉड करके अपने अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए हैं। इस बुड्ढे ने? जी सर। अरे फ्रॉड बुड्ढे। सर सर यही देखिए, ये मैसेज भी देखिए आप, 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए हैं इसने। अरे अंकल जी आप? अरे नमस्ते अंकल जी, पैरी पोना। कैसे अंकल आप? मैं ठीक हूँ बेटे। अंकल आपको देख के तो मेरे भाव खुल गए। अरे अंकल जी आपको मिसाल है इस दुनिया के लिए। सर है कौन ये? अरे ये एक बहुत ही बड़े दिल के इंसान है। अरे ये गरीब नहीं, ये दिल के बहुत अमीर हैं। इन्होंने ना जाने कितने लोगों का भला किया है। शायद तुमने इनका मैसेज पूरा नहीं पढ़ा। ये देखो। ये क्या? अवेलेबल बैलेंस इज 9 करोड़ 45 लाख। इसका मतलब ये सब पैसा आपके खुद के हैं? हाँ बेटा। पर कैसे? और आप हो कौन? और आपने इतना सारा पैसा कमाया कैसे? आप तो रोज झाड़ू लगाते हो ना? बेटा जब मैं 15 साल का था तभी से मैं झाड़ू लगाने का काम कर रहा हूँ और आज मैं 72 ईयर्स का हो गया हूँ। जिस दिन मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी, मैं उसी दिन से थोड़े थोड़े पैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने लग गया था। हालांकि तब मैं बहुत ज्यादा नहीं कमाता था, पर मुझे उन थोड़े थोड़े इन्वेस्ट किए हुए पैसों से कुछ टाइम बाद मुझे बहुत अच्छा रिटर्न आने लगा। फिर मैंने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और जो 10 साल में 4 गुना बढ़ गई, और उसे बेच करके मैंने 4 प्रॉपर्टी में और इन्वेस्ट किया। इस तरह जब भी मुझे मेरी सैलरी मिला करती थी और मैं उन पैसों को दिखावे में नहीं उड़ाता था बल्कि अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया करता था, और इस तरह आज मेरे पास करोड़ों रुपया जमा हो गया। वाओ, आप में तो जरा सा भी घमंड नहीं है। मेरा मतलब आपको तो ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी गाड़ियों में घूमना चाहिए। बेटा इंसान की जरूरतें बहुत कम होती हैं, लेकिन लालच बहुत बड़ा होता, लेकिन वो दिखावे की जाल में फंसकर हमेशा परेशान। मेरा मानना है मनुष्य को तन ढकने के लिए 1 जोड़ी कपड़े की ही जरूरत है, और पैरों में पहनने के लिए 1 जोड़ी चप्पल की। और वैसे भी कपड़े तन ढकने के लिए होते हैं, दिखावा करने के लिए नहीं। जो काम एक ब्रांडेड सामान करेगा वही काम बिना ब्रांड का सामान भी करता है बेटा। और मैं लग्जरी गाड़ी से नहीं साइकिल से घर जाता हूँ, क्योंकि चाहे गाड़ी हो या साइकिल, दोनों का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। और साइकिल चलाने से मेरी सेहत भी अच्छी रहती है। मेरे पास पैसा आ गया ठीक है, और मैं मेहनत करना क्यों छोड़ दूं? और महंगी चीजों पे खर्चा करके मैं दिखावा क्यों करूं? और इसीलिए आज भी मैं खुशी से झाड़ू लगाता हूं, और मैं अपनी जड़ों को कभी भी नहीं भूलता। सच में बहुत महान है सर, हो सके तो हमें माफ कर देना सर, हमने अनजाने में आपको कितना बुरा बोल दिया, और आज आपने हमें जिंदगी को खुशी से जीने की बहुत बड़ी सीख दी है सर। सच में अंकल जी, हमें माफ कर देना, बच्चा समझ आप महान हो। तो जिंदगी में सिर्फ कर्म करो, घमंड नहीं। घमंड तो बेटा एक न एक टूट ही जाता है।